क्या साइन होते हैं कि जब प्लेयर को लगे कि हाँ मुझे अब ऐसा लग रहा है अब छोड़ देना चाहिए। शेरीपा के साथ कॉमेंट्री कर रहे थे हम सिंधु पाजी के साथ, तो शेरीपा लगातार 5 बॉल बोल गए, एक बॉल मेरे पास आ गई आखिरी की, तो आखिरी बॉल चौका लग गया। मैंने कहा कि शेरीपा, सूर्य कुमार यादव ने फ्रंट फुट पे जाके ऐसे फेस खोल दिया, उसने फेस खोल के भाई ने वहां छक्का मार दिया। मैं कॉमेंट्री कर रहा था, मेरे मुंह से पहली लाइन निकली वारी वारी जाऊं, उसके बाद जो मैंने बोला वो भगवान ने मेरी उससे मैं मदद। तो सर इसके पीछे की स्टोरी क्या रहती है, आप प्रिपेयर रहते हैं उतना खुद से प्रिपेयर करते हैं या कि बैकएंड पे कोई टीम होती है जो आपको? मेरा ये मानना है कि जब भी मैं क्रिकेट कमेंट्री के लिए जाता हूं, उस दिन अगर एक नया वन लाइनर चौके पे और एक नया वन लाइनर छक्के पे मैं नहीं लगाऊंगा, कोई नहीं जिसमें कमी नहीं, आसमान के पास भी खुद की जमीन है। अब एक दिन मैंने लाइन लिखी रात को 2 बजे, तो ये डिसाइडेड था कमेंट्री करनी है। 4 साल 5 साल लगेंगे फिर को, तब तो सोचो तो कमेंट्रेटर बन सकता है, ये नहीं और कोई कर सकता। और जी उन्होंने मुझे डीमोटिवेट करके भगा दिया। सिक्योरिटी क्रिकेट में होती है, लाइक अगर अब रिंकू सिंह सेलेक्ट नहीं हुए थे, रिंकू सिंह के लिए कोई ऐसा कमेंटेटर नहीं था जिसने कहा कि रिंकू सिंह नहीं जाना चाहिए T20 वर्ल्ड कप की टीम में, रिंकू सिंह टीम का हिस्सा नहीं थे। क्या टैलेंट इतना ज्यादा है, हालांकि टैलेंटेड तो वो भी काफी है, तो उनको इतना चांस कम क्यों मिलता है या वो कभी खेल पाएंगे लाइक रेगुलर? और संजू सैमसन को मौके मिले हैं, ऐसा नहीं संजू सैमसन को मौके नहीं मिले। सर अभी आप फ्यूचर बैटिंग सुपरस्टार किसको देख रहे हैं, शुभमन गिल, यशस्वी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन? सबसे बड़ा स्टार जो बनेगा मेरे नजरिए से वो बनेगा, आई थिंक आप बेहतर आंसर कर पाएंगे इस क्वेश्चन का कि व्हाट इज द वर्स्ट एंड द बेस्ट थिंग इन क्रिकेट। किस बात का घमंड, किस बात का गुरूर, न जाने कब रोल काट दे ऊपर वाले उसे।